ठीक है सर, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सामान सामान लेके जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये अपराध है, तो इसलिए हमने इसको, इनके पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और बाकी ये दो बोरा जिसमें कुल 1055 नग ये समुद्री सीप गीले में जीव हैं बरामद हुए हैं। इनको चूंकि जब बताया कि ये मामला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित है, अतः सीमांत क्षेत्रीय वन अधिकारी हाथरस जिला हाथरस को ये हमने एक फर्द और एक तहरीर के साथ में ये सीप और ये दोनों व्यक्तियों को और बाकी जो सामान मिला है उसको सुपुर्द कर दिया है। अब जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा की जाएगी और हमारे द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जब अभी तक से प्रैक्टिकल के लिए कराया गया, आपने बुक क्यों नहीं कराया इसको, अनऑथराइज तरीके से क्यों लेके आए थे इसको? देखिए, मैंने उनको कहा था आप बुक करके ही भेजना और मिट्टी भेजा, ये मैंने कहा था उनसे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि 50 किलो से ऊपर से सामान नहीं होता ऐसा कहते। अब मुझे पहली बार मारा, मुझे कोई आइडिया नहीं, किस बार कोई आइडिया नहीं। आपको ये ट्रेन में किससे मिला सामान? अटेंडेंस लेकर आए थे। काय के अटेंडेंट? वो B4 में अटेंडेंट था, उन्होंने कहा एसी कोच के B4 में। हाँ, B4 में था। अच्छा, अटेंडेंट। हाँ, तो वो उन्होंने मुझसे बताया वो आपको वो जो वहाँ पर आप B4 में चले जाना वो दे देगा, ले लेगा। कितने रुपए की होंगे ये एसी, कितने रुपए दिया आपने? 1500 रुपए। नहीं, सीप के या अटेंडेंट को? अटेंडेंस कुछ नहीं, वहीं से दे दिया था उन्होंने।